सरहदी बाड़मेर में कुछ दिन पहले हुआ कमलेश प्रजापत के एनकाउंटर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कमलेश प्रजापत के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष समिति का गठन भी कर लिया गया है। इस समिति ने गुरुवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात को सभी के सामने रखा। इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष बलराम प्रजापत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी एक ही मांग है कि मामले की तुरंत सीबीआई से जांच करवाई जाए। उन्होंने इसके लिए बड़ा आंदोलन तक करने की चेतावनी दी है। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद से सीबीआई जांच की मांग तेजी से तूल पकड़ रही है। इसी प्रेस वार्ता में से संघर्ष समिति के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। के लिए ये कोई कमलेश कहीं छुपा हुआ नहीं था और टेक्नोलॉजी का समय, मैं जांच की मांग कर रहा हूं। इसके मोबाइल कॉल, कमलेश के मोबाइल कॉल, पुलिस के मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप और कॉल की डिटेल निकाल दी जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किसने क्या किया। इससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप और हमारे सबके सामने और जनता के सामने कि वास्तव में राज क्या है, तारीख में किस स्थिति से गुजर रहा है। जानकारी जहाँ तक है काफ़ी कुछ बातें परिवार को भी नॉलेज में संदेह नहीं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और हम कोई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। पुलिस का जो एक्ट है, पुलिस ने जो एक्ट किया है ये सीसीटीवी फुटेज से भी स्पष्ट दिख रहा है और ये कृत्य स्वयं में एक अपराध है। सर, ऐसा परिवार राजनेता का नाम नहीं लिया, हम आपको नहीं कह रहे। सवाल जाँच का है, जाँच सारे एंगल से होगी, सीबीआई की इंक्वायरी हो जाएगी तो सारे एंगल से हो जाएगी।